ਭਰਾਓ ਗੱਡੀ ਪਾਰਕ ਕਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਲੋਨੀ ਚੌਕ ਹੈ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਲੋਨੀ ਚੌਕ ਵੀ ਥੱਲੇ ਪਾਰਕ ਹੋਇਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੀ ਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿੰਦੇ ਸਨ ਹੈ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਛਾ ਰਨ ਸੀ अच्छा मैं याद ही नहीं दिया। फाइनली भेनों तो भरा पापा सोना इतना लंबा सफर तय करने सुबह बिल आखिर पहुंच गया मंगला डैम पर और इतने आज आई थिंक सो 1240 तक खड़ने एंड लेवल है। बाकी अगर पानी की गल की जाए तो 22952 क्यूसिक जरा पानी है ना अशना लगा वा उम्मीद करना सारे दोस्त अहबाब भेणा भरा अल्लाह ताला ने फजल करम ते शुक्र नाल चिट्टा कोसो हैरोफियत नाल सो तो आपने जिहड़ी जिंदगी है ओ इस तरह अंदाज़ नाल गुज़ारने पे सो माशाल्लाह जनाब दिन इंतहाई खूबसूरत और बारिशों से बाद हूं आस्ते धुप चढ़ी है लेकिन धुप अजे इतनी सवेरे सवेरे झमूट रही कोई नहीं ज़हरा ताज़ा ताज़ी बारिशा हुई वन तो फिर धुप की है झमूटा है। बाकी पापा सरों जागी आया तो त्यार शायद है अजे हस कु नहीं हो हाथ मुँह धोता बाकी कल कपड़े लाए बड़े जरूरी काम काज से करने लगे तो मैं चलो पहले कम करी कि ना उस तो बाद त्यार शुरू हो जाए तो रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब करो अगर फेसबुक यूज़ करो तो वीडियो के लाजमी शेयर करो। आज मैं ब्लॉग बुनने की वजह से शुरू किया कि अपू ब्लॉग शुरू करना तो कहाँ की पता लगी जाना कि मैं जागी हाँ और फिर सवेरे सवेरे रोला पाई गया सो पापा थोड़ा समझदार हो गया और नीचे से ब्लॉग शुरू किया मैं क्या करूँ फिर जॉब छोड़ दूँ अंदर जो नाश्ता नुश्ता करता लेकिन उस तो पहले वेलकम टू द न्यू व्लॉग वेलकम वेगे जी सारे कि नवे तो खूबसूरत जे किस्म ने व्लॉग ने अंदर उम्मीद करना कि ठीक ठाक हो सो मजे में हो सो तो हैरो फियर नाल हो सो बड़े दिनों तो बाद पापा सोना किचन च आया व्लॉग शुरू किया दोबारा मतलब वेलकम किया किचन तुसाई और बाकी इसलिए बनी रहा बेगम साहब अंडा और चाय सो माशाल्लाह वेरी हेल्थी ब्रेकफास्ट इज ऑलवेज एग एंड टी विद ब्रेड माड़ा अंडा है बेगम साहब रेडी है गिफ्ट दिते घरे ने अंब बल्कि वही अंब आई थिंक में दसना तो निके खाने से लगे हुए सो दे आर परफेक्टली रेडी अंबा ने मुख्तलिफ किस्म होनी साढ़े पास भी अच्छा है वो ही जाना है लेकिन साढ़े पास जो कितना कंसैप्ट नहीं है ना सकते बागबानी करना ना बूटे लाने अगर उसमें कोई भी बूटा लाना तो वही जाना है मैं कोई 10 दफा बाई रहा सो कोशिश करें करो 2-4-6 बूटा जितना सो जगह अवेलेबल है उसे लाई उड़ो ताकि और कुछ भी ना वह इस तरह जल्द कोई फल चल वे तो आंढ़ गुआंढ से दे सको ना बतौरे गिफ्ट प्यार भी बदना तो स्वाद भी लभना अलहमदुल्ला जी नाश्ता करी क्या जबरदस्त है किस्म का बाकी मैं जुलना छोटे मोटे काम काज करी इसने सर अस्सलामुअलैकुम मैं बाद जा बाहर सो कहते गड्डी अंदर खिलाई उड़ो प्लीज फिलहाल पैदल जुले मास्टर ने कार खाली बाद जा उधर गड़ी खड़सो तो कि मैं लेट जा सेकंड टाइम ओपर माड़े कमरे पे सामने हाँ कि बस ठीक है डॉक्टर साहब को जासो चलो सलाम दे रहे माड़ा भी मैं इतने लोकल ही हाँ कबरों पर दुआ मंगी है तो हूँ प्यादल में जा रहा मास्टर राइस साहब ने कार कुछ छोटे मोटे कम काज से मैं है वो करने हैं तो बाकी काम फिर कड़ा कड़ा करना बहरहाल चलो बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी इतना वो साहब है ना पिंड तो भरा मास्टर को लाया सा मैं है जो अपने मसले मसाइल हल करा लेकिन मास्टर इतने नवा मसला खोली बैठे हुए अपने क्या करने लगे वे तुझ क्या कहने हो वाईफाई माड़ा तो एक कैमरा खराब हो गया सी तो मैं ठीक कर दिया केड़ा आयला आप कैसी हो मामू मामू जी आप वाईफाई किधर ए बरामदे में लगी है ना आप आया करो तो यूज किया करो मेरी वाइफ है आपकी वाइफ है तेज चलती है पता है बहुत फास्ट है भर ली है बस वाईफाई का सही इस्तेमाल करो आप ठीक है बाकी बंदे पर मास्टर के सॉर्ट आउट कराने हैं कि क्या कुछ करने लगे हैं मास्टर जी लेना है वार सराख नहीं कितने सो ये नाड़ी बंदे ने छोड़ो कोई नहीं साइड है पर ना एक ना दिस है चलो चलो तुम आने तो बुद्धि लेना पर सिम की देने या दस्ती तैयार कर देना पर सिम बिजी बंदे ने कुछ ना बने ना हां ये भी कल ठीक भाई है केड़े पर सिम ट्रैक्टर वाले नहीं नहीं दुए पर सिम मेरा लकड़ी ले अच्छा लकड़ी लकड़ी ले बजाना लकड़ी लेना कम होना है थोड़ा कम तक असल इस पेड़ों का प्रो माड़े कार वाईफाई पहुंचाने वास्ते उन्हें की त्रै कनेक्शन जोड़ा ना वो किन्ने पे त्रै कनेक्शन होए तो फिर माड़े कार वाईफाई पहुंची ओ आए त्रै कनेक्शन एक डिवाइस ही लाई है ना इसकी पता नहीं क्या आखना है उसने भी जिन्ना त्रै कनेक्शन किए एक कनेक्शन पारू चिकनाया इंटरनेट एक उसने रूम डाइवर्ट करना माड़े घर आए पास है क्योंकि माड़ा कार इस डायरेक्शन जश्न आया और अप्रोजेट डाइवर्ट किया और तीसरा कनेक्शन जो माड़े घरों रिसीव करी ना तो फिर थले मैं इंटरनेट सप्लाई करना आया यानी कि मैं त्रै पैकेज किन्ने पे महंगा बहुत पिया सैटअप लेकिन यह होप्स हो जाए छुट्टी की हूँ बिजली बंद हुआ जो मर्जी हुआ
मामलात यस रे सर दोनों तो ब्रो काफी देर मेरे मुशक्कत करना सुबह तक कि मेरे के हालात हुई है मतलब गर्मी है ना बाकी ऐसा अपने प्रोजेक्ट की कामयाब करी ओड़ा मास्टर जी वैसे ऐसा किता गया है कोई बम बनाने ले भी तारा शहर अंदर सटी हुई है ना नहीं बम बनाने ले भी वैसे कदे इतना औखा होना मैकेनिज्म ना रखया होसी है बराले त्रै तारा मारियां मास्टर ने ये डबियां पता नहीं क्या क्या बराल ठीक है ओला कर ओड़ा तो शुरू तक क्या के बहुत ज्यादा गन पे आवा सी ना उसने फाइनलाइज करी इसने पर गो डब्बा ले इसकी बंद करियो तो थला क्या हो रहा कुछ है कि नहीं पता लगा तो ब्रो अल्हम्दुलिल्लाह बोर्ड शो जड़ा ना लगी चुके मास्टर जस्ट है हुन तो कैमरा भी लाइक चलो ठीक है बाकी पुराने पुराने वाईफाई का कैमरा खराब हो रहा है मैं तो मास्टर भी ठीक ही था हम चलने कार से फ्रेश होने सारा शर्ट खाने तो उस तो बाद थकने फिर अगला का स्टोरी बन सी इंशाल्लाह जी तो भैन भ्राओ फाइनल भापा थोड़ा पहुंची अपने कार से सवेरे ना तैयार शहर को सोया वा मैं मास्टर तो कम ही करा सकना सो तैयार शहर होया तो चिट्टा जोड़ा पा सा फरमाइश से चिट्टा सूट शूट लाया बिल्कुल ए वन रेडी बाकी वाले साहब की मैं रिक्वेस्ट की मैं सर कहता गेट पोड़ी उड़ो क्योंकि गेट पटाखा होया तो फिर नुकसान हो जैसी है सो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जनाब अल्लाह ताला ने खूबसूरत बबरकत ना सो अपने सफर ना आगाज हो गया कपड़ा पर दुआ मंगने एक बार फिर असा जुसा इंशाल्लाह चिकसवारी की तरफ धोबी साहब के कपड़े देते हैं और छोटे मोटे काम काज हैं वो करसा इंशाल्लाह आ गया जी अपना प्यारा हमीदाबाद कॉलोनी सो सबसे पहले एटीएम यूज करनी है सो सोचा यूबीएल एटीएम ना इंतखाब करसा चिकसवारी जैसा तो चिकसवारी पहले जुलना है ना तो फिर वापसी पर कॉलोनी धोबी साहब को कपड़े भी पिक करने हैं इंशाल्लाह वारवा सो चिकसवारी की तरफ मैं जा ही रहा तो मैं थक्या रश कोई थोड़ा जहा घट है चिकसवारी लगना दिहाड़ी ना टाइम है और आवाम जी ना वो सुती भी है कार करें चलो थोड़ा जहा को गेड़ा मारी तो फिर वापस मुड़ने इतना एटीएम यूज करने इंशाल्लाह चकसवारी बाजार ना गेड़ा हो गया कंप्लीट सो उन वापस चलने हैं जनाब बस एटीएम माशाल्लाह क्या चलो जी भेनों तो भ्राओ एक दो त्रै सूट भी आई गए कपड़े आने बाकी जुले वापस कपड़े काफ़ी ज़्यादा गंदे सन कार साफ करने की कोशिश की बेगम साहब त्रै चार दफा धोते लेकिन नहीं साफ हो मैं चलो फिर उनसे सवारी तो कराई सकने और क्या हो सकता तो धोबी साहब भी आने गए सो इतने पैर बल्ले जे माड़े कि धोन साढ़े को भी नहीं सही हो सो जनाब कपड़े इसलिए जरा साफ सफाई करने का फीस उठाने 300 रुपया इन्होंने यानी कि 300 सूटों हो गया 900 रुपया माया शैल लवाओ तो फिर 500 रुपया चाहिए जबकि 100-150 रुपया होना सी कदा जिस जमाने मैंने पाई हुई है ना जी हर चीज़ की कीमत बदी गई है तो फिर तो भी साहब भी रेट बताए ना अपने हम हालांकि बिजली सस्ती हुई है थोड़ा जहाँ कम घटाना चाहिए ना बहरहाल इस मुल्क चीज़ उपर तो लगी जानी है लेकिन थले नहीं भेनों का प्रो त्रै धड़े हो गए मैं पता कर जुबैर भाई क्या हाल चाल मैं क्या आया सर डड़ियाल गए वैसे और खरीयत है मेहरबानी पक्की गल है ਫੇਰ ਰੰਜੀ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਇਹ ਬਟਨ ਲਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਇਸਤਰੀ ਸੋਣ ਦੀ ਮਾਇਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਬਾ ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾ ਪਹਿਣਾ ਤੇ ਬ్రో ਕਾਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕੋ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਸੋ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਸੀ ਅਸਾਂ ਵੀ ਸਾਥ ਰਹੀ ਮਸਜਿਦ ਜਾਣਾ ਹੋਣਾ ਸਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਿੱਲੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਤਕਣਾ ਦਾ ਆਪਣੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਆ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਔਰ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਸੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਦੋਂ ਬੜੇ ਹੋ ਸਾਂ ਔਰ ਹੁਣ ਬੜੇ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਹੁਣ ਆਣੇ ਆ ਕਿ ਵਕਤ ਕਾਸ਼ ਵਾਪਸ ਅੱਛਾ ਲੇਕਿਨ ਵਕਤ ਵਾਪਸ ਕਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਰੀ ਜਾਣਾ ਬਹਰਹਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੀ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨੇਕ ਬਣਾਇਆ ਆਮੀਨ ਸੁਮਾ ਆਮੀਨ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਨਵਾਜ਼ ਹਾਊਸ ਬਲਾਕ ਜਿਲੇ ਮੈਂ ਉਹ ਰੂਟਰ ਲਗਾਓ ਤੱਕਣਾ ਨਾ ਪਰ ਵਾਈਫਾਈ ਆਲਾ ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਰੁਪਿਆ ਤਾਂ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਲੱਗੀ ਗਿਆ ਉਸੀ ਲੇਕਿਨ ਚਸ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਚਸ ਜਿਸ ਕੀ ਆਖਣ ਓ ਹੋ ਕੁਦਰ ਜੁਲੀਆਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬ్రో ਵੈਸੇ ਸ਼ੁਗਲੇ ਮੇਲੇ 'ਚ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਿਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹੋ ਅੱਧੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਵਲਾਗ ਬਣਾਉਣਾ ਅੱਧੀ ਨੇ ਮੈਂ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚੂਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਪੋਟਾ ਕਲੇਜੀ ਆਉਂਦੀ ਅੰਬ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੱਪੜੇ ਛੱਪੜੇ ਮੱਚ ਲੇਟਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬ్రో ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜੁਲਿਆ ਜਾਏ ਵਾਪਸ ਨੀਚੇ ਡੈਮ ਦੀ ਤਰਫ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਾਣਾ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਚੁੱਕੇ ਆਸਤੇ ਆਸਤੇ ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਜਾਣਾ ਸੋ ਜੁਲਿਆ ਅਸੀਂ ਡੈਮ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸਾਗੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੈਮ ਕਿਆ ਕੁਝ ਬਣਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਹਿਮਾਨਿਰਹੀਮ ਚਿਪਕੇ ਲਈ ਨਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਜੀ ਇਸਲੇ ਧਰਾਈ ਕੱਢੀ ਉੜਨੀ ਹਨ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਹਿਮਾਨਿਰਹੀਮ ਡੈਮ ਲੱਗਣਾ ਤਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜੁਲਾਂ ਪੈਸੀ ਹੈ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਸਾਂ ਨਾਲ ਤੱਕਣੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਡੈਮ ਕਿੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਲੈਵਲ ਸ਼ੈਵਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਪਹਿਣਾ ਤਾਂ ਭਰਾਓ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਹੋਣਾ ਕਿਤੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਹੋਣਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਨੂੰ ਡੈਮ ਅਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੂਰ ਹੈ
लैवल भी इसना आलमोस्ट पूरा होने वाला। मैं सुनकर थोड़ा भी बाया सी है कि जिले उतु थोड़े जे पानी उपर चढ़ा ना जगह सारी प्लेन है बिल्कुल बराबर तो फिर बड़ी जल्दी पानी फुल हो जाना। बाकी जुले उसने कोल तो कोलू तक मैं कुछ तक पहुंचे और मजीद कितने दिन लग सकते इसकी अपर पहुंचने। बाकी इधर बड़े दिन बाद आया तो सही छंगा मंगना जंगल बनी गया। चेक करो हाँ इतने बड़े बड़े बूटे और सारा कुछ अजीब बात है। बिल्कुल मैं उसलै आया जिसलै सूरज इं गरूब होने की तरफ जाई रहा और अगर नीचे नीचे गल की जाए तो पानी असर नीचे तक आया वा लेकिन असं इधरों जुसा और उधरों फिरी तो फिर वापस आई जा इंशाल्लाह। बाकी माड़ा दिन का अपना फेवरेट स्पॉट जिसे असं अक्सर बैठे हुए होने सब मोहल्ला सेठा माशाल्लाह पेड़ों का भरा शाम ना खूबसूरत जहा मंजर मंगला डैम तो माल डंगर लोगों ने फिरना लगा वा माशाल्लाह। ये तो मिलू को क्यूट जी निकी जी जी हैलो चलो बाकी हूँ चिकड़ शिकड़ भी काफ़ी ज़्यादा आ बहरहाल असं जुले नीचे नी तरफ नीचे डैम ने कोल कोशिश कर सकते पहुंचा तो पानी तक कि स्पीडा में है तो कि चाला में है। फाइनली भेनों तो भरा भाबा सोना इतना लंबा सफर तय करने सुबह बिल आखिर पहुंच गया मंगला डैम पर और इतने आज आई थिंक सो रमज़ान में भी जिन्हों कोई इतने इतफाक नहीं हो पूरे एक साल सुबह बाद मंगला डैम पर मैं आया और इंतहाई खामोश जहा एक मंजर है इसलिए मुकम्मल खामोशी है चार फेरियाँ कोई बंदा नहीं जी है क्या वजह वैसे कोई ना कोई नजर अच्छा होना लेकिन उन्होंने कोई भी नहीं सो ऐसे हालात है मंगला डैम ने और मंगला डैम ने पानिया ने माशाल्लाह सनसैट ने इंतहाई खूबसूरत नज़ारा मंगला डैम ने अगर पानिया की गल की जाए जनाब लैवल नहीं सबसे पहले अगर मैं सुना कि बाँ इस डेड लैवल है तो 1240 सारे की पता है और कदा कुदरे पूरा करी उन्होंने कदा कुदरे डंडी भी मारी उन्होंने कोई इतना बड़ा मसला नहीं है 1240 कुदरे पूरा करने कुदरे नहीं पूरा करने लेकिन अजकल जो मंगला डैम का लैवल चली रहा जनाब वो है 11985 आखने का मतलब है कि 12000 भी अजे पूरा नहीं होया सो 1240 ने पूरा करना आया 1240 तक खड़ने एंड लैवल है। बाकी अगर पानी की गल की जाए तो 22952 क्यूसिक जरा पानी है ना अछना लगा हुआ और उसकी जो कड़ रहा सिर्फ 15000 क्यूसिक पानी जरा कड़ी दे सो पानी तेजी चलना हूँ मैं बिल्कुल ट्राई पर खलता हूँ तुम्हें सही अंदाजा उसी है कि जैसे पानी इस आड़े पर उपर चढ़ी ना उस तो बाद इसकी स्पीड बदी जैसी अगर 1 फुट भी बदया तो 3-4 बाड़ियाँ क्रॉस करी जैसी है तो ये स्टोरी है उन नफुल तक करना ही है ना। दरिया को खोलो तो तुम्हें ठंडी हवा लभनी है जबकि डैम को खोलो तो तुम्हें तत्ती हवा है परसीना वैसे भी सावन चली रहा सो इस वजह सू बाकी तो जरूर टाइम स्पेंड करना इतने तो फिर जुल्ले वापस करा इधर काफ़ी पिंडा तय करता है जी अज मैं। वेलकम बैक टू नवाज हाउस ब्लॉक एंड द सूरज इज गॉन। बाकी टाइम अगर गल की जाए 7 बजे हो जनाब 2 मिनट और मैं सफर शुरू किया 6 बजे तक कोई 5 मिनट पर सो बड़ा लंबा दौरा रहा अज शायद 45 मिनट ना बहरहाल चैस आई गई है तुम्हें कि डैम दस बाकी जुल्ले कार अंदर तक खाने पीने से क्या कुछ है